दुख इस बात का है कि समय बहुत कम है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अभी भी समय है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका कोई सपना था, आप किन्हीं कारणों से उसे पूरा नहीं कर पाए हैं और अब सोच रहे हैं कि समय नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स, समय कम है, लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि अभी भी समय है, क्योंकि जितना भी समय बचा है उस समय में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं इमेजिनरी वर्ल्ड। दोस्तों, ये आज का थॉट था, मैं आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी, करंट अफेयर रिलेटेड वीडियो भी यहाँ पर मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, मैंने अपनी एक एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यदि आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी डेली मैं 10 जीके से रिलेटेड क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न व रोचक जानकारी। दोस्तों, आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कुछ जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही मजा आएगा। इससे पहले हमने जितने भी महाद्वीप पढ़े उनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो चलिए दोस्तों, ये पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल देश 22 है। कुल क्षेत्रफल इस महाद्वीप का, धरती का कुल क्षेत्रफल इस महाद्वीप में 5.3% घिरा हुआ है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश वो ऑस्ट्रेलिया ही है और सबसे छोटा देश नौरू है। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी दोस्तों मर्रे डार्लिंग है। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी झील, इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील दोस्तों आयर है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट कॉसियुस्को। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो हर आदमी को पता होनी चाहिए महाद्वीपों के बारे में। तो चलिए अब हम कुछ अन्य जानकारी को जानने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुछ जानकारी। ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। यह प्रशांत तथा हिंद महासागर से घिरा हुआ है। दोस्तों, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो प्रशांत और हिंद महासागर से घिरा हुआ है और मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। ये बिल्कुल एकदम दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। आगे बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज एबेल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक ने की थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है एबेल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक ने खोजा था। आगे बढ़ते हैं। ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा प्रशांत महासागर में फैले छोटे बड़े द्वीप शामिल हैं। दोस्तों, ये छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश हैं, इसके बारे में पहले भी बताया आपको। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप में फैला हुआ है और इसे जो हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कभी पूछ भी सकते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जो पूरे महाद्वीप में फैला हुआ है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एरबोजिन्स कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी याद रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। यह विश्व का सबसे अधिक ऊन निर्यातक देश भी ऑस्ट्रेलिया ही है। दोस्तों, सबसे ज्यादा ऊन का निर्यात जो है ऑस्ट्रेलिया से होता है और यहाँ पर मेरिनो ऊन मिलती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे अधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, बॉक्साइट एक मेटल है। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं, न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी दोस्तों उनको माओरी कहते हैं और ये न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है, ये भी आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और बंदरगाह है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और बंदरगाह है, बंदरगाह के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, आई होप आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे अधिक सीसा अयस्क उत्खनन करने वाला देश है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सीसा अयस्क मिलता है, लेड ओर, आप इसको भी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सीसा अयस्क मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की विश्व की विख्यात सोने की खाने कालगुरली और कुलगाड़ी है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की जो सोने की फेमस खाने हैं उनका नाम है कालगुरली और कुलगाड़ी, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या संसार में सर्वाधिक है। दोस्तों, सबसे ज्यादा भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, इसीलिए जो है ऊन भी सबसे ज्यादा निर्यात ऑस्ट्रेलिया से ही होता है। भेड़ पालन करने वाले मजदूरों को जिकारू कहते हैं, जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ें पालते हैं, जो मजदूर होते हैं भेड़ें पालने वाले, उनको जिकारू कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। दोस्तों, न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है उसकी जो राजधानी है वेलिंगटन, वो विश्व के सबसे दक्षिण छोर में स्थित है ये राजधानी, इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी।
ऑस्ट्रेलिया दुनिया सॉरी ऑस्ट्रेलिया दुनिया 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और साल 2014 में इसकी प्रति व्यक्ति आमदन दुनिया भर के देशों में चौथे स्थान पर थी। 12वें नंबर पर आती है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और साल 2014 में जो है प्रति व्यक्ति आमदन जो थी दोस्तों वो चौथे स्थान पर था ऑस्ट्रेलिया। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा आप दोस्तों, 12वें नंबर पर आती है इसकी अर्थव्यवस्था संसार में। आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया देश की आबादी महज 2,42,00,000 है। इतनी आबादी भारत में महज एक साल में बढ़ जाती है, इसलिए कहते हैं कि भारत एक साल में एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है वो बहुत ही कम है, वो है 2,42,00,000। इतनी जनसंख्या जो है भारत जो है एक साल में बढ़ा देता है, इसलिए हम कहते हैं कि भारत जो है एक साल में एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया रहने के लिहाज से बहुत ही बढ़िया देश है, यह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडेक्स क्या होता है हम जानने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किसी देश को बढ़िया जीवन स्तर, सेहत, शिक्षा और आर्थिकता के पैमाने पर नापा जाता है। दोस्तों किसी देश की शिक्षा कैसी है, उसका जीवन स्तर कैसा है, वहाँ की सेहत कैसी है, इन चीज़ों को जो है मापा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। इसमें हम किसी देश के जीवन स्तर, सेहत, शिक्षा और आर्थिकता के पैमाने पर मापा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों कुछ देशों की जानने की कोशिश करते हैं कि उनका कौन सा रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो पहले नंबर पर आता है दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे का सबसे अधिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, नॉर्वे पहले नंबर पर है। इसके पॉइंट्स हैं 0.944। दूसरे स्थान पर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ये मैंने अभी ऊपर बात की, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आता है जिसके पॉइंट्स हैं 0.935। आगे बढ़ते हैं, तीसरे स्थान पर आता है स्विट्जरलैंड, इसका जो पॉइंट्स हैं वो हैं 0.930। और फिर यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए आता है 8वें नंबर पर, इसका रैंक है 8वां यूएसए का, इसके पॉइंट हैं 0.915। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का जो रैंक है वो है 130, और इसके पॉइंट्स हैं 0.606। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ टॉप 3 कंट्री की बात की और कुछ मेन कंट्री जैसे यूएसए के बारे में जाना। यूएसए का रैंक 8 है, इंडिया का रैंक जो है 130 है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह पूछा जा सकता है कि इंडिया का कौन सा रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो वो है 130। इसको याद रखिए दोस्तों, बहुत कम है, सबसे ज़्यादा नॉर्वे का है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। ऑस्ट्रेलिया में 10,000 से ज़्यादा समुद्री बीच हैं। अगर आप हर दिन किसी एक बीच को घूमते हैं तो सारे बीचों को घूमने में 27 साल लग जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बीच जो है ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पर 10,000 बीच हैं। यदि आप हर रोज एक बीच को घूमते हैं तो सारे बीचों को घूमने के लिए आपको 27 साल लग जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आगे बढ़ते हैं, लेक हीलर ऑस्ट्रेलिया की एक झील है जिसका रंग गुलाबी है। इसके गुलाबी रंग के कारण का पता वैज्ञानिक अब तक नहीं लगा पाए हैं। दोस्तों एक झील है ऑस्ट्रेलिया में जिसका नाम है लेक हीलर, ये गुलाबी रंग की है, और इसका गुलाबी रंग क्यों है ये वैज्ञानिक अब तक पता नहीं लगा पाए हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इस तरह से पूछा जा सकता है कि लेक हीलर कहाँ पर स्थित है या लेक हीलर की क्या खासियत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक हीलर की खासियत है कि ये गुलाबी रंग की है। आगे बढ़ते हैं, पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हर साल 7 सेंटीमीटर उत्तर दिशा की ओर खिसक रहा है। ये भी बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग बात है, तो आप इसको याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का हाईवे 1 दुनिया का सबसे लंबा हाईवे है जिसकी लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, याद रखना चाहिए आपको कि ऑस्ट्रेलिया का हाईवे 1 दुनिया का सबसे लंबा हाईवे है जिसकी लंबाई 14,500 किलोमीटर है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1961 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हेरोल्ड होल्ड एक समुद्री बीच पर तैरने के लिए गए और लापता हो गए। इसके बाद उनका कुछ पता नहीं लगाया जा सका। पुलिस के अनुमान के अनुसार वो समुद्र में डूब गए, और इस बात को मानकर उनके शरीर को बहुत ढूंढा गया लेकिन नहीं मिला। ये 1961 की बात है दोस्तों, जब हेरोल्ड होल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे वो समुद्री बीच पर तैरने के लिए गए और लापता हो गए, और उनका अब तक कुछ भी पता नहीं लगा है। तो फ्रेंड्स ये कुछ अच्छी बातें और इंटरेस्टिंग बातें थी, कुछ महत्वपूर्ण बातें भी थी जो एग्जाम में आ सकती हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज का जो वर्ड ऑफ द डे है जो हर वीडियो के एंड में होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं, जो आपकी वोकैबुलरी के लिए अच्छा है, स्ट्रॉन्ग करेगा आपकी वोकैबुलरी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है फ्रेंड्स थ्राइव, जिसका मतलब होता है कामयाब होना, THRIVE।
थ्राइव, और इसका मतलब होता है कामयाब होना। इसके जो सिनोनिम्स हैं दोस्तों वो हैं प्रॉस्पर, डेवलप, ग्रो और प्रोग्रेस। और एंटोनिम्स की बात की जाए दोस्तों तो स्ट्रगल, फेल, डिक्लाइन, डिटेरियोरेट, आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज का वर्ड ऑफ द डे है थ्राइव, thriv, मीनिंग होता है दोस्तों कामयाब होना। सिनोनिम्स होते हैं फ्रेंड्स इसके प्रॉस्पर, डेवलप, ग्रो, प्रोग्रेस। और एंटोनिम्स की बात की जाए, अपोजिट वर्ड की बात की जाए तो वो है स्ट्रगल, फेल, डिक्लाइन और डिटेरियोरेट। तो फ्रेंड्स ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं हर वीडियो में ऐड करता हूँ तो आप इसको जरूर देखिए। इसका जो यूसेज है इस तरह से हो सकती है, इवांका ट्रंप सेड दैट नो कंट्री कैन थ्राइव विदाउट गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। मतलब दोस्तों इवांका ट्रंप ने कहा कि कोई भी देश अपनी आधी आबादी को समान अवसर दिए बिना कामयाब नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैंने यूसेज भी आपको बता दी इसकी, और इसका मीनिंग भी बता दिया, सिनोनिम्स भी बता दिए, एंटोनिम्स भी बता दिए। हम दोस्तों इसी तरह हर वीडियो के एंड में एक वर्ड ऑफ द डे सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, तो आप उसको जरूर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको एकदम से नोटिफिकेशन उसकी मिल सके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए गुड लक।